भाई लागी लागी सब कहे और लागी बुरी बलाय लागी तो भाई जानियो जो आर पार है। भैया जी ये जिक्री का दौर चल रहा है, गाने वाले बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे। हमारी बहन जी इंद्रेश जी अलवर से आई, हमारे बाद यूपी 85 हरिशंकर जी आएंगे नानू वाले, पर हमारे लोहागढ़ की भी कुछ पहचान है। और भैया कभी राज्य लिख रहे वो क्या लिख रहे, अरे लोहागढ़ क्या इन पीरों से और जो करता विश्व किनारा आरजे जीरो फाइव जग में नहीं किसी से हारा, अरे नहीं किसी से रुपए का पुरस्कार श्रीमान उदय सिंह जी के द्वारा मिल रहा है। लोहागढ़ क्या इन वीरों से, जब बात चल रही है कंपटीशन चल रहा है, चाहे तो गाय में आ जाओ चाहे लड़वे में आ जाओ। और ये 501 रुपए का पुरस्कार श्रीमान हुकम सिंह जी देते हैं भाई लीडर। 101 रुपए का पुरस्कार निर्मल सिंह जी देते हैं, मैं 500 रुपए आपके पहले बोल दूं। अरे लोहागढ़ क्या ये नबीरा से, लोहागढ़ क्या ये नबीरा से करता विश्व किनारा आर्य जीवो आर्य जीवो आर्य जीवो भायप जग में नहीं किसी से हारा, अरे नहीं किसी से हारा आर्य जीवो भायप जग में। और ये 101 रुपए का पुरस्कार देवेंद्र जी चामड़ जी साहब दे रहे हैं। लोहागढ़ के बंगाल के कोई ना सुकती है सुयो सुयो भैया लोहागढ़ के। और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान धर्मेंद्र जी देते हैं। लोहागढ़ के बंगाल के कोई ना सुकती है सुयो सुयो अहमद साहब मोबाइल दहली में मुड़ पकड़ के रोयो। दीप दूधिया जी 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। अपने शेर से लड़ दिए को मुगलों ने ललकारा। और हमारे नेताजी भी कह रहे थे। और ये 51 रुपए का पुरस्कार भाई हमारे गौरव होता मोरली जीए एलाज हो तो मोरली में नानू वारे आ जा भलू हाथ पाम में लग जाए बहुत तारी में सही करवाए दू मास्टर। अरे लोहागढ़ के बंगाल की कोई ना सुकती है सुयो अहमद साहब मुगल दहली में मुड़ पकड़ के रोयो। और चार भोता जी अपने शेर से लड़ दिए को मुगलों ने ललकारा। लोहागढ़ का सूरज मल था शेर सभी से ही नहीं ये फौजदारी की बात है। अरे करक की
श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला उसे सात में दर वो तक्षकना खत्म कर देगा। सबरे जग में हल्ला है गया, चर्चा है गई भारी है, बेअपराध मरेगो राजा दुखी भये नर। इतनी सुन के धनवंतर ने बात हृदय में तोली और मेरे बाबा कंधा पे डाल ली। धनवंतर ने भी कह दिया मेरे जीते जी वो तक्षक नाग महाराज परीक्षण का वाली बांका नहीं कर सकता। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी की तरफ से। और धनवंतर वैद्य हस्तनापुर की ओर जा रहे और कथा क्या मोड़ ले रही है साहब। अरे वैद्य राजन बोल सिसले, कविराज जी लिख रहे हैं। अरे वैद्य राजन बोल सिसले और डोली मार की हिला, हस्तनापुर चालो रे गुडुंगे ये।
श्रीमान बच्चू सिंह जी केसियर साहब दे रही ना तुमा तक्षक आवे गो श्रीमान हीरा जमादार जी देते ये खिबा बिसियर कूलंगो ये खिबा नानू के लंगो ये खिबा बिसियर कूलंगो ऐसा करवे लाज भूपक मरने नहीं लंगो महाराज परीक्षत को सात में दिन वो तक्षक ना खत्म कर देगा। पर एक बात बता दूं, जो विद्वान आदमी होता है दादा जी, वो बात को सारे से ही समझ जाता। धनवंतर वैद्य कह रहे न्यू बताए बेटा, तेरे जाने महाराज परीक्षत मर जा चाहे जिंदा रह, तेरा मतलब क्या है मुझसे पूछने का? भाई तू तो बता दे तू कौन है। जब ही वो व्यक्ति खड़ा था साधारण भेष में, अपने भेष में आ गया कि महाराज में भूई तक छकनागू कितने को जोर कर लियो तू कैसा धनवंतर वैद्य, मैं महाराज परीक्षित को मारे बिना लौटूंगा नहीं। धनवंतर वैद्य हंस गए, हंसने का भी कोई कारण होता है। धनवंतर वैद्य करे बेटा तू तक छकनाग है तो मैं देवताओं का सबसे बड़ा वैद्य धनवंतर हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था, जब 14 रत्न निकले थे तो ये धनवंतर भी निकला था। धनवंतर वैद्य ने कह दिया मुझे वरदान मिला हुआ है किसी व्यक्ति को सब खा जाए मैं मंत्र पढ़ के फूंक मार दूंगा बाद में सही कर दूंगा। पर धनवंतर वैद्य कह रहे तक्षक नाग से तेरो जहर जलाए दऊ पल में सही नाग के बानी है और नेक देर में नप जाएगा कौन में कितना। वृक्ष देख के वैद्यराज ने कई तू अपनो हुनर दिखाए दे और बेटा जब पेड़ में आगी लगा। धनवंतर वैद्य ने तक्षक नाग से बोल दिया बेटा ये पेड़ है, अगर तूने इस पेड़ को जला दिया तो मैं अपने घर के लिए वापस हो जाऊंगा। बारिये तक्षक नाग की विष्णु वर्ग और पेड़ और खुदरा भोता कभी राज्य लिख रहे देख मेरे नाग भंकार और गया गोद में छाई है मार दई पुसकार दुष्ट ने दियो पेड़
नाग ने पेड़ को जला दी। कई बात कही है, मैंने अपने भी सखी बाबा ताकत दही लगाई है, अब तू अपनो हुनर दिखाए दे बारी तेरी। वृक्ष देख के बैद्यराज धनवंतर बद्र देखा पेड़ जला हुआ है, वृक्ष देख के बैद्यराज ने शब्द बोल दिया ऐसा, और बेटा जाए कर दऊं पहले। भाई तूने तो पेड़ को जला दिया, तेरी बारी हो गई, तेरा नंबर हो गया, यानी तेरा दौर हो गया। अब मुझे भी तो धनवंतर बद्र कहते हैं दादाजी पेड़ जला हुआ है। धीरे 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 धनवंतर वैद्य उस पेड़ की ओर जा रहे और कथा क्या मोड़ ले रही है। ले लोटा में नीरा वैद्य ने मंत्र उच्चारे ही, अरे पलकी करी न देर पेड़ में भाई। ये बाबा जी जा इसी की बगली में करके आ रहो,
अपनों गुरु बनाए लो बाबा कान खड़े है भाई बेटा न्यू दुनिया में डुबल आयो मुए कोई ऐसा आदमी ना मिलो जाए में चेला बनाए लो अब जातक अंटा में आए गो बाबा जी मास्टर जी मोर तो नहीं कसी ओंदर गाना वेद सही चल रहा है
वो उम्र दवाइया छूटिए बाबा के बार पकड़ ले। तब तो मोरनी सी आई गई, जाटनी समेट ले गई। अब जाट कह रहा है ये कटा दे दे या बाबा जी काज भाई छो। जाटनी कह रही सब सब बात समझ में आई गई, मोरा ले ले। पर अब का मतलब हो या बाबा जी जान दियो। अरे ते जाने वाली तू बड़ी पागल है, अगर का उन के कह दई काम में तो चक्कर पड़ जाएगा। या बाबा जी ये सारे बिजली घर तक ले जाऊंगा। मास्टर जी कैसे कर आपका ध्यान किधर है? गाने वाला इधर है, इधर है। भाई दिन